चीन के बाद पीएम मोदी ने लाओस में भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। आसियान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद निर्यात करने वाला देश बताया। हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसका फायदा आतंकवाद को पैदा करने और उसे निर्यात करने में ही टिका हुआ है। हमें न सिर्फ आतंकवाद को निशाना बनाने की जरूरत है बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी सख्ती बरतने की जरूरत है जो इसका समर्थन करते हैं। आसियान समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोदी और ओबामा की 2 साल में यह 8वीं मुलाकात थी। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन बहुत इम्प्रूव हुए और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन खास करके जहाँ टेररिज्म का ताल्लुक है उसमें कड़वाहट आई है। इससे पहले 5 सितंबर को चीन में G20 सम्मेलन में पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंक बांट रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया का ये देश आतंकी तैयार करके हमारे देश भेजता है। पीएम ने कहा जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर बैन लगाना जरूरी है। भारत की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ की, साथ ही कहा कि वो हमेशा से भारत के दोस्त रहे हैं और रहेंगे। संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। कहा, नियमों को ताक पर रखकर सचिवों की नियुक्तियां की गईं। कोर्ट ने संसदीय सचिव को लाभ का पद मानते हुए नियुक्तियों पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने जिन 21 विधायकों को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था वो अपने आदेश से बनाया था, उसमें LG से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए ये सारी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से जो है रद्द की जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचने वाली बात है कि सदस्यता क्यों थी, सदस्यता के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे थे कि वो संसदीय सचिव हैं। अब वो संसदीय सचिव ही नहीं हैं तो उनके सदस्यता पे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे अब इलेक्शन कमीशन अपना क्या मत बनाता है, क्या क्या राय बनाता है। मुझे लगता है कि ये इसे हमें इलेक्शन कमीशन के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल साहब की जो पूरी पॉलिसी है वो अनार्किज्म की है, इसलिए वो अनार्किस्ट के नाते कानून को तो मानते नहीं। अब जब अब वो कहें ना कोर्ट के बारे में, मैं चाहूंगा केजरीवाल साहब कोर्ट पे कोई टिप्पणी दें, समझ लग जाएगी बात ही, परंतु ये अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। केजरीवाल ने 13 मार्च 2015 को AAP के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। रविंद्र कुमार ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताकर विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। 20 जून को दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखने का बिल भी पास किया था। 19 जून 2015 को संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने भी राष्ट्रपति से शिकायत की थी। वो याचिका फिलहाल चुनाव आयोग में है। अरविंद केजरीवाल का आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक जबरदस्त विरोध हुआ। अरविंद केजरीवाल जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो BJP महिला कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। आशुतोष के ब्लॉग, संदीप कुमार और आप नेताओं पर यौन शोषण के आरोप के विरोध में प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को चूड़ियां दिखाई, फूल देकर अपना विरोध दर्ज कराया। मनीष सिसोदिया ने इसे मोदी सरकार की साजिश बताया। जिस तरह से सुबह अटैक हुआ, अरविंद जी पे जिस तरह से धक्का मुक्की की, BJP के महिला कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थी, कैमरा वहाँ उन्होंने पहले से बुला के रखे हुए थे, टीवी चैनल के पुलिस वाले खड़े हुए थे, लेकिन कुछ कह नहीं, उन्होंने रोका भी नहीं, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान था। केजरीवाल जब लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए। जैसे ही चुनाव आएंगे सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा, CD आएंगी, आरोप लगेंगे, लोग खड़े होंगे, वो शुरू हो गया अब दौर। पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक विवादों में है। 31 अगस्त को पूर्व मंत्री संदीप कुमार का अश्लील वीडियो सामने आया था। वीडियो में संदीप कुमार कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। आशुतोष ब्लॉग लिखकर संदीप का बचाव करने के लिए विवादों में आए। आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाया। संगरूर में आप ऑब्जर्वर रहे विजय चौहान पर भी ऑफिस में काम करने वाली नौकरानी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल 4 दिनों के दौरे पर आज पंजाब पहुंचे हैं। संदीप कुमार के बचाव में विवादित ब्लॉग लिखने वाले आप नेता आशुतोष दिल्ली में महिला आयोग के सामने पेश हुए।
आशुतोष सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे, नोटिस का जवाब दिया। बाहर निकलने के बाद आशुतोष ने राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस को एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। कहा, अगर कुछ भी गलत किया हो तो फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आपकी चिट्ठी मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। He said you cannot threaten me into making saying what you want me to say. तो मुझे उनको कहना पड़ा कि देखिए हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आपका कंसेंट की जरूरत है, अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं प्रश्न पूछूंगी नहीं। 2 सितंबर को आप नेता आशुतोष ने ब्लॉग में रेप के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव किया था। आशुतोष ने ब्लॉग में लिखा था कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। आशुतोष ने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई विवादित तर्क दिए थे। ब्लॉग को लेकर आशुतोष के खिलाफ दिल्ली, मुंबई और इलाहाबाद में थाने में शिकायत की गई है। आप नेता आशुतोष ने इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम के बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लगाया था। दिल्ली के कालकाजी में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक 10वीं की छात्रा को छेड़खानी का विरोध करने पर तेजाब पिला दिया गया। पीड़ित लड़की को दो लड़के बीते 15 दिनों से स्कूल आते जाते वक्त परेशान कर रहे थे। लड़की ने इसकी शिकायत स्कूल टीचर से की, स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की। छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। स्कूल के दबाव पर कल जब वो दोबारा स्कूल जाने के लिए निकली तो लड़कों ने उसे रास्ते में रोककर तेजाब पिला दिया। पिछले 25 दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही थी, कल वो घर से स्कूल आने के लिए निकली और कालकाजी चौक पर अचानक से उसका परिवार वालों का आरोप है कि उसे जबरदस्ती तेजाब पिला दिया गया। पीड़ित की मां के मुताबिक बेटी ने झिझक की वजह से घर में कुछ नहीं कहा। पीड़ित ने पुलिस को लिखित बयान दिया है। आरोपी फरार। टीचर को बताया उसने 25 दिन पहले, नहीं टीचर ने मुझे नहीं बताया, मुझे शर्म की वजह से उसने नहीं बताया। टीचर को बताना चाहिए मुझे, टीचर ने मुझे नहीं बताया। बस ये कहने लगे लड़की का नाम काट दूंगी अगर आप नहीं आई तो, इसलिए मैंने आज उससे कहा 10th क्लास है बेटा चली जाए। जो उन्होंने उसकी मदर ने अलेज किया है उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, और जिस जगह से लड़की स्कूल गई है उस जगह से हमारे पास CCTV फुटेज भी आ चुके हैं और उन सबको वेरीफाई कर रहे हैं। NCRB के मुताबिक 2015 में दिल्ली में महिला अपराध के 17,104 मामले दर्ज हुए। दिल्ली में हर 1,00,000 महिलाओं में 184 महिलाएं अपराध का शिकार हुई हैं। दिल्ली में 2015 में रेप के 2,199 मामले दर्ज किए गए। यौन शोषण के 1,150 केस सामने आए। 2015 में महिलाओं से बदसलूकी के 1,492, दहेज हत्या के 122 और महिला अपहरण के 4,310 केस दर्ज हुए। अब तक की जांच में लड़की के फूड पाइप में एसिड की बजाय कुछ और केमिकल का पता चल पा रहा है। पुलिस मामले में स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ करेगी। BMC चुनाव से पहले मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी फिर शुरू हो गई। तस्वीरें विक्रोली पार्क साइट के अमृतनगर की हैं, जहां सड़क किनारे फल की रेहड़ी लगाने वाले एक उत्तर भारतीय के साथ MNS कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। फलों से भरे उसके ठेले को पलट दिया। इस दौरान रेहड़ी वाला अपने ठेले को बचाने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन MNS कार्यकर्ता नहीं माने। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रेहड़ी वाले के साथ गाली गलौज की और फिर उसकी पिटाई कर दी। मराठी मानुष की राजनीति के नाम पर इससे पहले भी कई बार MNS इस तरह की गुंडागर्दी करती आई है। मन से अपना जनाधार खो चुकी है। किसानों की आड़ में फिर प्रांतीय जो फेरी वाले हैं उनको मारपीट की शुरुआत हुई है। हमें लगता है स्टंटबाजी से राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। घाटकोपर में उत्तर भारतीय को अपमानित किया गया, उसके सब्जी और केले की फल की गाली को फेंका गया, और मैं मांग करना चाहता हूँ कि आप राज ठाकरे पर जो फेंकने वाले हैं उनके साथ साथ राज ठाकरे पर भी केस कीजिए और जेल भेजिए। अगस्त 2013 में कोल्हापुर में भी उत्तर भारतीय दुकानदारों को MNS के कार्यकर्ताओं ने पीटा था। जनवरी 2013 में राज ठाकरे ने दिल्ली में गैंगरेप के लिए बिहार से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। सितंबर 2012 में राज ठाकरे ने बिहार से आकर महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को घुसपैठिया बताया। 2008 में यूपी बिहार से महाराष्ट्र में आकर रहने वाले मजदूरों को राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पीटा था। 2011 में राज ठाकरे की धमकी के बाद महाराष्ट्र में टैक्सी चलाने वाले कई उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की वारदात हुई। बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने आज नए मोर्चे आवाज़ पंजाब का ऐलान किया। नए मोर्चे के ऐलान के साथ सिद्धू ने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सिद्धू साहब तुम इलेक्शन मत लड़ो,
दरबारी को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना। सिद्धू ने अकाली दल का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा, बीजेपी पर भी भड़ास निकाली। आई एम भेरा बहुत काले बादल चीर के अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे कि हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। दो सौ रैलियां जदों रैलियां मुकियां तो सरकार बन का टाइम आया। इंस्पैक्टर कहना सरदार साहब तुम तो थले उतर जो थोड़े का हुक्म है उसके उत्ते आऊंगी। मैं थलों ही गाना गाया, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं क्यों जा रहे हैं जैसे हम जानते नहीं। सिद्धू ने परगट सिंह, सिमरनजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस के साथ नया मोर्चा बनाया है। बीजेपी छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा थी। सिद्धू को सीएम पद का दावेदार बनाए जाने की शर्त से एएपी में शामिल होने की बात बिगड़ गई। परगट सिंह और बैंस भाइयों के भी आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा थी। सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना के आतमनगर से निर्दलीय विधायक हैं। सिद्धू ने कहा, लोगों की सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार एक परिवार के लिए हो गई। सारे पंजाब का मुनाफा एक परिवार का मुनाफा हो गया। अब हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर है। हैदराबाद में कार में बंद एक 3 साल के बच्ची को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। घटना हैदराबाद के शमशाबाद इलाके की है। एक माता पिता बच्ची के साथ बेंगलुरु जा रहे थे। रास्ते में खाना खाने के लिए रुके, बच्ची सो रही थी तो उसे कार में बंद करके बाहर चले गए। बच्ची उठी तो हंगामा शुरू हुआ, बच्ची रोने लगी, कार के शीशों पर हाथ मारने लगी। ये देखकर आसपास खड़े लोग वहां पहुंचे, देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गए। लोगों ने पहले बच्ची के माता पिता को आसपास देखा, इसके बाद खुद ही कार के दरवाजे खोलने शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद एक आदमी कार का गेट खोलने में कामयाब हुआ और बच्ची को बाहर निकाला गया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी वॉकी टॉकी के साथ वहां पर पहुंच गए। इसी बीच जब बच्ची के माता पिता मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन पर अपना गुस्सा उतारा और पिटाई तक कर दी। इससे पहले कार में दब घुटने की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 18 जून 2016 को सूरत में एक 6 साल के बच्चे की बंद कार में दम घुटने से मौत हो गई थी। 11 जून 2016 को जयपुर में कार में लॉक दो बच्चों की दम घुटने की वजह से जान चली गई। 9 मई 2016 को चंडीगढ़ में 7 साल के दो बच्चों की कार में दम घुटने से मौत हो गई। 21 मार्च 2016 को मुंबई में 4 साल के बच्चे ने खेल खेल में कार में खुद को लॉक कर लिया, दम घुटने से मौत हो गए। सितंबर 2015 में गुरुग्राम में 2 लड़कियों ने खेल के दौरान खुद को कार में बंद किया, दम घुटने से मौत हो गई। ऐसे एक मामला 2015 में पुणे में भी सामने आया था, जब 3 साल के बच्चे ने अपने रिश्तेदार की कार में खुद को बंद कर लिया, फिर दम घुटने से उसकी जान चली गई। ब्रिटेन में 244 मीटर ऊंची चिमनी को गिराने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीर ब्रिटेन के कैंट की है, जहां करीब 800 फीट ऊंची ये चिमनी महज 10 सेकंड में धराशाही हो गई। देखते ही देखते चिमनी मलबे में तब्दील हो गई। चिमनी के गिरते ही चारों तरफ धूल का गुब्बारा बन गया। चिमनी गिराने के लिए सुबह 10:50 पर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। जब चिमनी को गिराया जा रहा था तो इसे देखने के लिए आसपास काफी संख्या में लोग मौजूद थे। चिमनी गिरने के बाद जमीन पर 40,000 टन मलबा जमा हो गया। द ग्रेन पावर स्टेशन चिमनी को 37 साल पहले बनाया गया था। साल 2012 से ही ये चिमनी बंद पड़ी थी।